दोस्तों, मैं पुरुषोत्तम प्रजापत स्वागत करता हूं आपका K2S न्यूज चैनल में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। सवाई माधोपुर जिले की तहसील बजीरपुर क्षेत्र की ग्राम पंचायत मोचा में सरपंच सरोज देवी द्वारा गांव के कई विकास कार्य किए जा रहे हैं। कोरोना महामारी के चलते सरपंच सरोज देवी की देखरेख में सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव पूरी ग्राम पंचायत में किया जा रहा है, जिससे कोरोना पर नियंत्रण किया जा सके। आइए देखते हैं संवाददाता की एक रिपोर्ट। करौली जिले में रेड अलर्ट अनुशासन पखवाड़े में संपूर्ण लॉकडाउन के चलते पुलिस प्रशासन द्वारा सख्ती दिखाई जा रही है। जो लोग बेवजह घरों से बाहर निकल रहे हैं, उनके वाहनों को जब्त कर चालानी कार्रवाई की जा रही है। आइए देखते हैं संवाददाता की एक रिपोर्ट। करौली में लॉकडाउन का हाल। देहरादून में गाड़ी रोकने पर लड़कियों का हाई वोल्टेज ड्रामा। लड़की ने की पुलिस के साथ बदतमीजी। हंगामे के दौरान रोड पर लगा लंबा जाम। हालांकि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गाड़ी को किया सीज। बाद में लड़की ने मानी अपनी गलती। आइए देखते हैं संवाददाता की एक रिपोर्ट। मैं बहुत ज्यादा माफी मांग रही हूँ, मेरे से गलती हुई है। नेक्स्ट टाइम से ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। दिस आई प्रॉमिस। कि चलान कटेगा कि क्या होगा, बहुत ज्यादा पैनिक हो गया और एकदम से सारे मीडिया वाले आ गए, तो एक डर इंसान को लगता है जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करने वाला है। मेरी पहले गाड़ी खराब थी हमारी, हम गाड़ी ठीक कराने गए थे हरिद्वार बाईपास रोड पे, और उसके बाद हमको सब्जी लेनी थी और दो तीन और काम थे। मेरी एक्सरे रिपोर्ट थी, हमें सब्जी लेनी थी, वो 12 बजने वाले थे। 12 बजे के बाद हमें पता था कि हम नहीं निकल सकते, क्योंकि हमारे पास एक वो आया था, नोटिस आई थी, जो नोटिस कुछ कुछ दिन में जो आती है करके, और उसके चक्कर में मेरे को थोड़ा सा, मैं अंदर बैठी थी, सर बाहर थे और ये लोग भी बोल रहे थे, तो मेरी आवाज़ बाहर तक पहुँच नहीं रही थी, और मेरी नॉर्मल भी थोड़ी तेज़ आवाज़ है और मुझे पानी के अटैक्स पड़ते हैं उस चक्कर। तो घंटाघर पर ड्यूटी थी मेरी, दौरान चेकिंग एक गाड़ी आई MJ हेक्टर, उसमें तीन लोग बैठे थे। उन्हें पूछा गया कि आप कहाँ से आ रहे हो, तो इन्होंने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया और हमें कहने लगे कि आपको नहीं पता कि लॉकडाउन 12 बजे के बाद होता है, आप हमें 12 बजे से पहले रोक नहीं सकते। तो मैंने काफ़ी समझाया कि लॉकडाउन तो ऑल ओवर टाइम है, लेकिन एसेंशियल सर्विस है, आपकी कोई इमरजेंसी है तो आप हमें बताइए। बजाय इसके वो हम पे चिल्लाने लगी कि आप